टीवी सीरियल से फिल्मी दुनिया में सफर तय कर सबके दिलों को जीत लेने वाले सुशांत सिंह राजपूत आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, मगर आज भी सुशांत उनके चाहने वालों की यादों में जिंदा हैं। बता दें कि आज यानी 21 जनवरी को सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी है, जिस मौके पर उनके फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर वन डे फॉर SSR बर्थडे को ट्रेंड कर दिया है। पिछले साल का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब हमेशा हंसते मुस्कुराते सुशांत ने हम सभी को अलविदा कह दिया था। 14 जून का वो दिन फिल्मी जगत के साथ पूरी दुनिया को हैरत में डाल देने वाला था, जब सुशांत ने खुदकुशी कर अपनी जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया था। लेकिन इस खबर के पता चलते ही पूरी फिल्मी दुनिया में खलबली मच गई और देखते ही देखते पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा नजर आया, जहां एक तरफ बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत ने सुशांत की मौत की वजह बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को बताया और एक के बाद एक वीडियो पोस्ट कर खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं उनके समर्थन में आए एक्टर विवेक ओबेरॉय और सिंगर सोनू निगम ने भी नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बात की, जिसके बाद सलमान खान और करण जौहर को लोगों का काफी गुस्सा झेलना पड़ा था। वहीं ये बात सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रही, मुंबई से होते हुए इसकी आग सुशांत का घर कहे जाने वाले बिहार तक पहुंच गई थी। इसी बीच सुशांत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर भी कई आरोप लगाए गए, जिसको सबसे ज्यादा तूल दिया आर भारत न्यूज चैनल के CEO अर्णव गोस्वामी ने, और लोगों की भावनाएं भांपते हुए सुशांत सिंह की मौत को लेकर खूब रोटियां सेकी गई। वहीं आज भी सुशांत की मौत लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। बहरहाल सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए CBI और NCB हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सफलता हासिल नहीं हो पाई है। वहीं इतना समय गुजर जाने के बाद आज भी एक्टर को चाहने वाले इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि सुशांत ने खुदकुशी की थी। सुशांत की मौत के 7 महीने बीत जाने के बाद भी उनका परिवार और फैंस एक्टर के लिए न्याय की आस लगाए बैठे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल तर्कश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।